भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और गौरव के साथ हो रही है। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण विश्व में आज वो गूंज सुनाई दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। ये सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि कोटि बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन ने भूतकाल में जब नैम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा था।